हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। ये आप देख रहे हैं, थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये पूरी गली सुनसान पड़ी है। कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। पता नहीं लोग कितना ज़्यादा डर गए, सब घर में हैं और अच्छा ही है, घर में ही हैं तो चैन से हैं। और ये देखिए घर में कितना बुरा हाल कर रखा है इसने। ये क्या कर रहा है? इसने घर में जैकेट और कैप लगा रखी है। कह रहा है मुझे जाड़ा लग रहा है। मौसी लाई थी कपड़ा बड़ा। इतनी गर्मी में इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? लाओ ये उतार दूं। नहीं, क्या हो गया? लग गई, देखो। क्या लग रही है? एक बाबू। अरे क्या लग रही है तुम्हें? नहीं, अच्छा अलमारी में कपड़े सही करके रखो, आपने सारे खराब कर दिए। ये रख दो बेटा, कब पहने इसमें? दादी लाई थी, दिल्ली वाली दादी लाई थी। कप लाई थी आपके लिए? हाँ लाई है। तो फिर उठा के रख दो अभी, ना संभाल के। नहीं खराब हो गए। घोड़ा पोछा और ये देखिए, ये हमारी फैक्ट्री में जो हमने वो लगा रखी है ना, बेले वगैरह और सब्जियां, उसके ही वो हैं, खीरे और मिर्ची। और ये देखिए, ये मैं भून रही हूँ लहसुन प्याज, इसका पेस्ट बना के मैं भून रही हूँ। तकरीबन 4-5 प्याज ले ली है मैंने। मैं बनाने जा रही हूँ आज लोबिया की सब्ज़ी। ये लोबिया है देखिए, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं। तो उसके लिए मैंने मसाले को पीस लिया है, पीसे मसाले की सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इसे स्लो गैस पर मैं भून रही हूँ मसाले को। ये सब्ज़ी वैसे तो बहुत कम बनती है, ज़्यादा बनाते नहीं हम लोग ना, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं। आजकल सब्जियां कम हो रही हैं तो फिर ऐसा लगता है चलो ऐसी सब्जी बना लो जो ज़्यादा दिन में बनती हो। इसके लिए मैं निकाल रही हूँ देखिए, अब हल्दी, मिर्च, रंग वाली मिर्च और ये धनिया, सूखा धनिया। तो इन सबको मैं थोड़ा सा पानी लेके उसमें भिगो दूँगी। ज़रा सा गरम मसाला लिया है मैंने, बहुत ही ज़रा सा, और इन सबको मैं अब थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दूँगी। और तब तक देखिए मेरा मसाला तैयार हो रहा है, तो पहले मुझे इसे भूनना चाहिए। ये मैं भून रही हूँ, बीच बीच में मैं कुछ और काम करने लगती हूँ तो डर लगता है मसाला जल ना जाए। इसमें डाल दिया है मैंने पानी, और पानी डालने के बाद मैं अब अपने मसाले को खूब भूनूँगी ताकि ये बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाने के लिए तैयार हो जाए लोबिया। और जब मसाला मेरा प्याज भून गई तो मैंने इसमें अभी ये मसाले मिक्स कर दिए हैं। और मसाले मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी। तेज़ आंच पे कभी मत भूनिए मसाले को, मसाले में से सारी स्मेल निकल जाती है और जलांद आ जाती है। ये हरा धनिया भी मैंने थोड़ा सा तैयार कर लिया है इसमें डालने के लिए। और देखिए मेरी सब्ज़ी फिर इस तरह से हो गई है तैयार। मसाला भून के मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और वो इस तरह से हो गई है तैयार। अब इसको खाइए गरम गरम, करारी करारी रोटियाँ बना के। तंदूरी रोटी बनाइए भगोने में, और चाहे सादा रोटी बनाइए, उससे बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं।